अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और जी, ये है वीकेंड व्लॉग, दो दिन का व्लॉग है ये मिल मिला के। और ये थी जो है मेरे पास थर्सडे मॉर्निंग, और मैं उठ गई थी। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जो है अपने कमरे की विंडो की कर्टेन हटाती हूँ। हल्की हल्की धूप आती है, रोशनी आती है। आजकल वेदर सुबह का काफ़ी अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले जो है वो सारे कर्टेंस हटा देती हूँ ताकि फैज़ान भी उठ जाएँ। हल्की हल्की सी रोशनी आ रही होती है छन के, इतना खूबसूरत लग रहा होता है सुबह का वक्त। और बस मैं उठ गई थी 6:45 पे कि मुझे नाश्ता वगैरह बनाना था फैज़ान का, और मैंने उन्हें नाश्ता बना के दिया। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर विंडो के पास आके खड़ी हो गई थी देखने के लिए। और उसके साथ ही मैंने भी जो है वो अपनी थोड़ी सी चाय निकाली थी असल में जब, और उसके साथ मैंने बिस्किट ले लिए थे। फैज़ान जब जा रहे होते हैं तो बस मेरा नाश्ता उनके साथ ही होता है। जो पराठा अगर वो कुछ बचा देते हैं तो मैं वो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक दो बिस्किट ले लेती हूँ चाय के साथ। और ये बस फैज़ान के जाने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, और ये देखें इतनी प्यारी धूप आ रही थी कमरे में, पूरी कबर्ड जो पे जो है वो शेडो बन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, ये था कुछ खाने का अरेंजमेंट, क्योंकि आज थर्सडे को जो है वो पहली बार जो है मेरे घर में भाई भाभी आ रहे थे खाने के लिए। और मैंने जो है वो सबसे पहले नाश्ता के बाद जब फैज़ान चले गए थे तो मैंने सबसे पहले जो है वो खीर चढ़ा दी थी। और ये देखें मेरे किचन में भी इतनी रोशनी आती है कि दिन में जो है मुझे किसी भी किस्म की लाइट जलाने की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो फ़िलहाल जो है मैंने खीर का दूध रख दिया था, इलायची वगैरह डाल के, और चावल मैंने थोड़े से भिगा दिए थे, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और मीनवाइल जो है वो मैंने जो है वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए जो है वो तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैं जो हूँ दोपहर के लिए जो है वो मैक्रोनी बना रही थी, क्योंकि हम ही लोग थे घर में, बच्चे थे और भाभी थी, तो मैंने सोचा दोपहर को हम लोग मैक्रोनी खा लेंगे और शाम में जो मैं खाना बना रही थी वो बस फिर वही चलेगा। और बस फिर मैक्रोनी के साथ साथ मैंने जो है वो यस्टर नाइट जो है वो माश की दाल बनाई थी, भुनी भी वो थी, मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, रोटी बना ली थी। तो हमारा जो है ये जो है लंच हो गया था। तो यहाँ पर वेजिटेबल चॉप करी थी और खीर में भी बार बार चमचा चला रही थी। ये मेरी पतीली न्यू थी और मुझे लगा कि शायद इसमें नहीं लगेगा स्टील में, लेकिन फिर भी इतनी एहतियात के बावजूद भी अच्छा खासा जो है वो दूध उसमें लग गया था। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खीर अच्छी बनी थी और जो है वो उसमें हल्की सी भी उसकी स्मेल नहीं थी। सब्ज़ियाँ मेरी चॉप हो गई थी और यहाँ पर दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ गया था, तो मैंने इसमें जो है वो चावल डाल लिए थे। चावलों को मैंने जो है वो अच्छी तरीके से भिगाकर और थोड़ा सा जो है वो ग्राइंडर में चलाकर मैंने डाल दिया था। तो बस इसमें उबाल आ गया था, मैं उबाल देने के बाद इसे बार बार चमचा भी चला रही थी और हल्की आँच पर मैंने इसे रख दिया था। और ये जो बची हुई गोभी थी वो इस तरह मैं क्लिंग रैप में करके रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होती। अगर ख़राब भी होती है तो बहुत हल्की फुल्की सी होती है, पूरी तरीके से जो है वो ख़राब नहीं होती, क्लिंग रैप में बहुत अच्छे से रहती है। खीर के ऊपर बार बार मलाई आ रही थी, मैं बार बार चमचा चला रही थी, इतनी एहतियात की थी मैंने, क्योंकि मैं मीठा बनाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। ना मुझे खाना पसंद है, ना मुझे बनाना पसंद है, और मुझसे बनता भी नहीं है। लेकिन ये कि मैंने ट्राई ज़रूर किया था कि मैं जो हूँ घर में ही जो है वो मीठा बनाऊँ। और बस उसके बाद जो है मैंने दूसरी यहाँ पर जो है चूल्हे पर पैन चढ़ा दिया था मैंने, ताकि जो है मैं जल्दी से जो है वो उसका मैक्रोनी का जो है मसाला बना के रख दूँ। मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि बच्चे सो रहे थे और बच्चे जब उठ जाते हैं ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आयरा कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वो उठने के बाद रोना धोना उसका काफ़ी देर तक चलता रहता है, तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाह रही थी जितना काम जो है वो जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये मैक्रोनी बन रही है, मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। असल में
यूट्यूब पे वीडियो बनाना और सारी रिकॉर्डिंग करना लिटरली इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक पूरी सेटिंग आपको करनी पड़ती है हर तरीके से, और जो है वो ट्राइपॉड जो है कभी इस एंगल से रखना, कभी उस एंगल से रखना, बार बार चेक करना कि आपका जो है विजन बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं भी बहुत सारे YouTube चैनल देखती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखती भी हूँ, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि जो 10-12 मिनट की वीडियो होती है हार्डली आप 15 मिनट की या 20 मिनट की देख लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है यूट्यूब पे वीडियो आप रिकॉर्ड करने की, उसके बाद उसको एडिट करने की, उसको वॉइस ओवर करने की। तो बस अब जब तरीके से करना होता है तभी आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान नहीं है। बज़ाहिर देखने में 10 मिनट की वीडियो होती है, 15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, यहाँ पर मैंने जो है वो पास्ता बनाने के लिए थोड़ी सी पास्ता सॉस इस्तेमाल की थी, ये मैं लेकर आई थी रेडीमेड हर्शी फ्रेशली की थी, और ये बहुत अच्छी होती है। ये मैं इसलिए लेकर आई थी कि बच्चे कभी कभी जो है वो मांग रहे होते हैं कि हमें पास्ता बना के दें, तो फटाफट जो है वो अगर वेजिटेबल्स नहीं भी हैं तो सॉस में आपने बना के दे दिया। बस वही सारी चिकन को मैंने पहले थोड़ा सा सौते कर लिया था, उसका पानी खुश कर लिया अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर वही सारी सॉसेस डाल दी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया। चॉप वेजिटेबल्स मैंने डाली, वेजिटेबल्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो गोभी और शिमला मिर्ची पसंद है, वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी ही डाली थी, स्प्रिंग अनियन मेरे पास थी नहीं, और जो था बस मैंने उसी से डाल के बना लिया था, और मज़े की बनी थी, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई थी। मिर्चें हाँ मैंने कम ही रखी थी, क्योंकि डेफिनेटली बच्चों को खानी थी, तो मेरे बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन भाभी के बच्चे थोड़ा सा ना स्पाइस लेवल उनको कम ही चाहिए होता है। और ये स्वीट चिली सॉस मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, अब मैं गई भी थी बीच में, लेकिन वो मैं भूल कर आ गई। बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका, बहुत अच्छी लगती है ये। वहाँ मेरा मैक्रोनी का बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका था, और यहाँ पर जो है मेरी खीर भी रेडी हो चुकी थी, तो उसे मैंने बाउल्स में निकाल दिया था ठंडा करने के लिए। ये मैंने किस फायर के लिए निकाली थी, खिलाने के लिए, एक बाउल जो है वो मुझे अपनी फ्रेंड को भेजना था, और एक बाउल जो है वो मैंने रख लिया था सर्व करने के लिए। तो मैंने उसको निकाल के बाहर लाउंज पे पंखा चला के जो है वो मैंने रख दिया था। मीन वाइल मैंने मैक्रोनी बॉयल करने के लिए पानी ही चढ़ा दिया था, और मैं यहाँ आ गई थी किस फायर को उठाने के लिए। किस्वा तो उठ चुकी थी, आयरा सो रही थी, आयरा को मैं उठाने के लिए आ गई थी। आयरा उठ जा बेटा, और बस किचन का थोड़ा बहुत काम समेट के मैं आ गई थी अपना रूम साफ़ करने के लिए। बिल्कुल मैंने उसको टाइडी अप कर दिया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, सारा नीचे से कारपेट भी क्लीन कर दिया था, और ये आ रही थी मेरे कमरे में धूप, ये देखें
मुझे बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह उठ के, जब घर में धूप वगैरह ना आए तो फिर आपको एक जो है वो सुबह का एहसास ही नहीं होता। और ये मैंने बाउल में निकाल के रख दी थी, इसको मैंने जो है वो फॉइल चढ़ा के और माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था। और एज़ यूजुअल जब इस तरह का कुछ होता है, सब आते हैं तो मैं लास्ट के क्लिप लेना बिल्कुल भूल जाती हूँ, और लास्ट में दस्तरखान का मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। और लिटरली जब दस्तरखान लग गया, सब ने खाना शुरू कर दिया, फिर मुझे याद आया वो मैंने तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई दस्तरखान सजा कर। और उसके बाद जो है फिर सब बैठे थे, सब खाना खा रहे थे, तो फिर वो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो यही होता है मेरे साथ हमेशा, और मैं बिल्कुल इतनी मेहनत के बाद भी भूल जाती हूँ कि मुझे आखिर का क्लिप लेना था, फाइनल लुक लेना था दस्तरखान का। यहाँ पर मैंने निहारी चढ़ा दी थी, और ये जो खीर थी इसको ठंडा करने के लिए मैं बाहर रख रही थी, लेकिन इस पर मैंने वो चढ़ा दिया था क्लिंग रैप। और इस पर मैंने जो गार्निशिंग की वो मैंने बिल्कुल लास्ट में की थी, आखिर में जो भी मैंने इसके ऊपर नट्स कट करके डाले थे। स्पेशल डे बिकॉज आवर हाउस इज सेट एंड आवर गेस्ट आर कमिंग, माय बड़े पापा माय बड़ी मम्मी आर कमिंग फॉर डिनर। किस्फा को मैंने पढ़ने बिठा दिया था, और मैंने कहा था होमवर्क कर लो, सब आ जाएंगे तो तुम नहीं पढ़ने बैठोगी। और यहाँ पर निहारी को अच्छी तरह भून कर और शान के मसाले से बना रही थी मैं, और उस पर पानी डाल के मैंने गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया था। गोश्त बहुत अच्छा लेकर आए थे फैजान, उस पर जो है वो नलियाँ भी थी, और जो थोड़े बहुत बर्तन साथ साथ निकल रहे थे मैं साथ साथ धो रही थी, किचन साथ साथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चों को भी देखना था, उनको भी रेडी करवाना था, किस वक्त की पढ़ाई भी देखनी थी, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी उसका थोड़ा सा काम छोड़ दूं तो नेक्स्ट डे जो है वो उसका बहुत सारा काम जमा हो जाता है, और उस पर मुझे तो कराने में मुश्किल होती होती है, लेकिन उस पर खुद पे बहुत डबल बर्डन पड़ जाता है। टर्न अराउंड, टर्न 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 टर्न, लुक एट मी, से हेलो। किस्फा पढ़ाई करी थी, आयरा को जो है मैंने चेंज वेंज करा के रेडी कर दिया था, और यहाँ पर मैं आ गई थी बेसन और आटा हल्का सा जो है वो भून कर, और फिर हम लोग जो है वो उसका घोल बनाकर फिर निहारी में डालते हैं। असल में मेरे घर में जब मेरी अम्मी की निहारी बनती है तो हमारे यहाँ बेसन यूज़ नहीं होता, हम लोग सिर्फ आटा डालते हैं, और वही कच्चा आटा जो है वो घोल कर डालते हैं और पकाते हैं। और मेरे इन लॉज में ये होता है कि ये लोग बेसन भून के डालते हैं, और कभी कभी आटा भी डालते हैं, दोनों चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसी तरीके से करती हूँ कि मैं आटा और बेसन अच्छी तरह से भून के फिर मैं दोनों को मिक्स करके वो डाल देती हूँ। वहाँ पर निहारी मैंने पकने के लिए रख दी थी, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी थी मटर चावल की तैयारी। मैंने चिकन कढ़ाई भी बनाई थी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग शायद मैं कर नहीं पाई, या मेरे जहन से निकल गया तो मैंने शायद उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। और ये मैं मटर चावल भी बना रही थी, और बस ये था, वही मैंने आपको जैसे कि बताया कि सारी चीज़ें रेडी कर ली, सब कर लिया मैंने, निहारी और चिकन कढ़ाई, मीठा और मटर चावल बनाए थे, लेकिन फ़ाइनल लुक नहीं दिखा पाई। जब मुझे याद आया तब सब खाना शुरू कर चुके थे, और गार्निश वार्निश मैंने हर चीज़ की थी, नट्स डाले थे उसके ऊपर, लेकिन बस अकेली होती हूँ ना तो बस ये करना वो करना इसमें जो है वो मेरे ध्यान से निकल जाता है। और ये था जी फ्राइडे का दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग थी ये, हम लोग नाश्ता कर रहे थे, रात की थोड़ी सी बची भी खीर थी, ये इतनी बची थी और ये अच्छी बनी थी, किस्मत को पसंद आई थी, वो चमचा साफ करने लगी, तो मैंने जो रात की तंदूर की रोटियां थी वही तलनी थी। फैजान ने भी कहा था कि वो तंदूर की रोटी खीर से खाएंगे, बच्चों को भी वही खानी थी, मैंने चाय ले ली थी और बच्चों को न्यूटेरा वगैरह दे दिया था, तो ये हमने नाश्ता कर लिया था। और खाना हमारे पास जो है वो रखा हुआ ही था दोपहर का, मटर चावल भी रखे थे, थोड़ी निहारी भी रखी थी, तो हमने वही चलाया था। और खैर नाश्ते के थोड़ी देर बाद जो है मैंने सबको फ्रूट्स काट के दे दिए थे, बच्चे फ्रूट्स लेके बैठ गए थे और कुछ बिस्किट्स वगैरह लेके बैठ गए थे। किस्वा को जो है वो मैंने पढ़ने भी बिठाया था कि किस्वा का नेक्स्ट डे का काम आ चुका था, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी पढ़ाई भी करो साथ साथ। और यहाँ पर जी जुम्मे का दिन, और मैं लुबान ना जलाऊँ, खैर मैं तो एवरीडे ही जलाती हूँ, लेकिन ये कि सुबह उठते के साथ
क्लीन अप करने के बाद मैं जो है वो ज़रूर लोबान जलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है वो धूप आ रही थी बहुत अच्छी सी। असल में आजकल वेदर कुछ ऐसा ही हो रहा है, अच्छा सा भी हो रहा है, गर्म भी होता है रात में। हम लोग तो अपने रूम में बिल्कुल भी एसी नहीं चलाते, हम फ़ैन में ही जो है वो सही रहते हैं और एसी की ज़रूरत ही नहीं आती। खैर जुम्मे के दिन हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम कहीं बाहर जाएं, फैज़ान ने कहा था कि आज बस हम घर में ही रहेंगे, घर में इंजॉय करेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही कहा कि चलो चलते हैं, जो भी तुम्हें सामान लेना है घर के लिए और वो हम लेकर आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैं जो हूँ फिर ऑफ़िस शुरू हो जाएगा, फिर मैं जा नहीं पाऊँगा। तो खैर बस हम लोग निकल गए थे, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था, हम जा रहे थे लूलू क्योंकि हमें वहीं जाना होता है ग्रोसरीज़ के लिए और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं, घर के करीब भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिलहाल को वही कन्वीनियंट लगता है कि हम लूलू जाएँ और जो है वहीं से ग्रोसरी शॉपिंग करके आएँ। और मैट में भी है स्पेशल कलर होते हैं ना BMW और ग्रीन। इसका नंबर देखो क्या है, 2002 फाइनली हम पहुंच गए थे लूलू, जो भी थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी क्योंकि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घर में मौजूद थी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि ख़त्म हो रही थी तो फिर हमें वो लेनी थी। तो बस हम यहाँ आ गए थे और यहाँ आते ही जो है वो किस फायरा बस गुम हो जाती हैं, मुझे नज़र ही नहीं आती हैं, कभी इस सेक्शन में घुस जाती हैं, कभी उस सेक्शन में घुस जाती हैं। और यहाँ पर ये 2-3 रियाल के कप लगे हुए थे तो फैजान ने मुझे गुस्से ही कहा देख लो तुम्हारी पसंद के जो है कप्स लगे हैं, जिसमें से मैंने 2 कप्स उठा भी लिए थे, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पर बस हम एंटर हुए तो काफ़ी सारी ऑफर्स लगी हुई थी, काफ़ी अच्छा लगता है लूलू आके, मोस्टली जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें आराम से ईज़िली जो है वो मिल जाती हैं, ऑफ़र्स में ही मिल जाती हैं। और ये केक का सेक्शन यहाँ से मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, पेस्ट्री वगैरह इतनी फ्रेश होती हैं कि बहुत मज़े की होती हैं। तो इस दफ़ा भी जो है वो हम बड़े बड़े केक नहीं लेते, डेफिनेटली हम कहाँ फिनिश कर पाएंगे, एक एक पेस्ट्री लेते हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स की, और बच्चों के लिए डोनट वगैरह ले लेते हैं। तो बस ठीक है, फिर इसके साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू सपोर्ट मी क्योंकि वॉच टाइम तो अच्छा आ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करते हैं तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूँगी बहुत जल्द एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।